Okay, hi guys. My name is Shubham Dwivedi, and I'm here with some interesting topic, right? जिसमें बहुत सारी बातें हो रही थी. मैंने भी सोचा थोड़ी बातें हम भी कर लेते हैं, right? We are going to discuss. Actually, we are going to discuss India and China border dispute, right? भाई साहब ले देखे ना, चाइनीज लोगों को आदत है. ये अभी की आदत नहीं है, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि 100 साल पुरानी समस्या है ये, है ना. और उसके पहले से चाइनीज लोगों की समस्या है, जब वो मंगोल्स का टाइम था, चंगेज खान को पूरा वर्ल्ड चाहिए था जितना नोन था, राइट. और उन्होंने अनडाउटली, उस आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर भी क्रिएट किया, राइट. लेकिन वो कहीं ना कहीं, वो अब टेंडेंसी रह नहीं गई ना भाई, अब एम्पायर का टाइम नहीं है. अब सरकारें हैं, डेमोक्रेसी है, लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं. आप ले दे कि किसी को सीधा पानी नहा दो के चढ़ नहीं जाते हो, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद इंडिया, अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. दिस प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन इंडिया वाज नॉट इंडिया, इंडिया वाज ब्रिटिश इंडिया, राइट. 1914 का टाइम आया. 1914 में ब्रिटिश इंडिया के जो लीडर्स थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लीडर्स थे और जो तिब्बतन लीडर्स थे, ये शिमला में बैठे, है ना. और बैठ के इनने डिस्कस करना चालू किया कि अब हमारा ये जो त्रिकोण है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का, इसका काम बनाना कैसे, है ना. सो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिश इंडियन लीडर्स जो थे, उन्होंने ये बात बोली कि द तिब्बत शुड बी एन ऑटोनोमस स्टेट एंड इट इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ चाइना, है ना. सो हमें एक नई बॉर्डर लाइन जो है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में खींचनी है, राइट. हेनरी मैकमोहन को बुलाया गया. दिस गाय वॉज द पर्सन जिसने वो एक पूरा का पूरा इंडिया तिब्बत के बीच में मोर देन 550 माइल का जो बॉर्डर था ना, वो डिमार्केट किया था. उसी के नाम पे वो जो लाइन है, वो जो बॉर्डर है, राइट, वो मैकमोहन लाइन कहलाती है. इन्होंने लाइन वाइन प्रपोज कर दी, इन्होंने खींच खास दिया. चाइनीज वर लाइक, डूड नहीं हो पाएगा, अपन इसको एक्सेप्ट नहीं करते. अपन हिस्ट्री उठाते हैं तो अपने को पता चलता है कि चंगेज खान ने ये सब जीता था, सब अपना है ना. बिफोर नेपाल दिस वॉज चाइना, जिसे पूरा वर्ल्ड चाइना लगता था, और अब वो उसी चीज पे एक्ट करने लगा, ठीक. उस टाइम पे रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज नॉट दैट, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेंथन की वो ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश एम्पायर से डायरेक्ट पंगा ले पाता, है ना. तो उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत नहीं की. बट जैसे ही 1947 इंडिया जो है इंडिपेंडेंट होता है, किससे, ब्रिटिशर्स से, the problem started with 1949. China has a vast Chinese revolution, जो क्या कहना चाहिए, communist revolution जो थी उसके बाद. अब वो जो ideology है communism की, वो तेजी से फैली, और India China के बीच में जो tension है 50s-60s के बीच में तेजी से बढ़ी. Tibet को लेके हो, अक्साई चेन से लासा तक की जो well operated road highway हो, है ना, या दूसरे तरीके के बॉर्डर में इरेगुलरिटीज हो जो चाइनीज काउंटर पार्ट से हमारे तरफ आ रही थी, इसको देखते हुए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तिब्बत को अपनी तरफ, सोशली अपनी तरफ करने के लिए दलाई लामा जो है उनको 1959 में क्या बोला, हमारे यहाँ रहो भाई साहब, हमारे यहाँ रह के तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट चलाओ, चूंकि तुम तिब्बत के धार्मिक गुरु हो, राइट. तो तुम यहां से तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर सकते हो, बीइंग एन एक्साइल गवर्नमेंट हेड. और आगे काम क्या है, इस चीज से जो चाइनीज थे उनको क्या कहना चाहिए, वो चाइनीज जो थे वो शिजवान टाइप में कन्वर्ट हो गए, उनमें आग बबूला हो गए, उनसे भाप निकलना चालू हो गया, है ना. और अल्टीमेटली 1962 का टाइम आया व्हेन वी स्टार्टेड हैविंग सम फाइट, वॉर हुई, और उस वॉर में, है ना, बहुत सारा लॉस दोनों पार्टीज को हुआ. मेजॉरिटी लॉस जो है इंडिया को हुआ, चाहे वो लाइफ के टर्म पे हो, चाहे फाइनेंशियल टर्म पे हो. एंड अल्टीमेटली नवंबर में जब सीज फायर होना चालू हुआ, है ना, और जब सीज फायर अल्टीमेटली पिक्चर में आया, तो जो जम्मू कश्मीर का अक्साई चेन वाला हिस्सा था, चाइनीज ट्रूप्स एंड चाइनीज लीडर्स ने उसे जियांग वाला पार्ट डिक्लेयर करते हुए, वहां पे जो चाइनीज ट्रूप्स जहां पे रुके थे, वहां से एक बॉर्डर लाइन डिमार्केट की, और उसे बोला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, और उसे वो नया बॉर्डर जो है, जिसको वो उनके अनुसार वो पारंपरिक है, और हमारे और लीगली वो उनके हिसाब, हमारे हिसाब से नया बॉर्डर जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है. 1962 में ये चीज हो गई. 62 में वॉर के बाद हमने भी ज्यादा उछल कूद नहीं की, उन्होंने भी ज्यादा उछल कूद नहीं की, बट 67 जो था वो प्रॉब्लमेटिक हुआ. 67 प्रॉब्लमेटिक कैसे हो जाता है, 67 प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि ये वो टाइम है 67-65 से लेकर एक्चुअली 75 के बीच में, 10 ऐसे साल थे जिसमें इंडिया के पास अपार्ट फ्रॉम हमारा जो बेटा है पाकिस्तान, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी जो हमें सुलझाना था, वो प्रॉब्लम थी स्टेट ऑफ सिक्किम की, है ना. हम कायदे से सिक्किम स्टेट के प्रोटेक्टर थे उस टाइम पे,
67 के टाइम पे यही हुआ। इंडिया चाइना जो है सिक्किम रीजन के नाथुला और छोला, इसको दो नाम से आप बोल सकते हो, स्पेलिंग इज CHOLA, है ना, तो उसको आप चोला बोल सकते हो, छोला बोल सकते हो, पंजाबी हो छोला बोल लो, वट एवर योर लाइफ, है ना, योर लाइफ इज योर लाइफ, नन ऑफ माई लाइफ। सो पॉइंट पे आते हैं, उस नाथुला और छोला जो पासेस हैं, इस पे चाइनीज जो पर्टिकुलर ट्रूप्स थे उन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एंड दिस टाइम इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्ट्रॉन्गली उनको क्या किया, अपोज किया। वी हैड ह्यूज क्लैश, आर्टिलरीज, मशीन गन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर एडवांस मशीनरी हो सकती है उसका यूज हुआ। अप्रोक्सीमेट 150 जो इंडियन सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। पैरेलली 340 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो कैजुअलिटीज में क्या हुए, शहीद हुए, राइट। ये 62 के बाद, है ना, इंडिया चाइना के बीच में हुआ सबसे बड़ा क्लैश था, ठीक। उसके बाद चाइनीज लोगों को ये समझ में आया कि इंडिया के अलाइज जो हैं, इंटरनेशनल अलाइज, चाहे वो USSR ड्यूरिंग दैट टाइम अमेरिका की तरफ से हो, उसके पड़ोसी देश हैं उनके तरफ से हो, अलाइज हमारे स्ट्रांग थे, एंड सडनली आफ्टर सम क्या कहना चाहिए 67 के जस्ट 7-8 years लेटर वी बिकम अ न्यूक्लियर पावर। तो हमारे बीच में जो क्लैशेस थे, अब वो डायरेक्ट क्लैश इस तरीके के नहीं थे जो वायलेंट हो सकते थे, है ना, हम क्लैश करते थे, राइट, बट वो क्लैश ऐसे नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल 67 के बाद After 20 years, 87 में एक नया क्लैश हुआ, है ना, चाइनीज आर्मी की तरफ से, चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सडनली एक प्रेपरेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया गया, ये देखने के लिए कि हाउ फास्ट चाइनीज मिलिट्री एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स कैन मूव, राइट, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन इंडिया चाइना बॉर्डर। और वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज इतनी सुप्रीम थी कि लिटरली इंडियंस वर लाइक, डूड कुछ तो काला है ना, राइट, सॉरी फॉर रेसिज्म, दाल में काला है। तो इंडिया की तरफ से भी उसका रिस्पांस किया गया, तेजी से मिलिट्रीज को क्या किया गया 87 में फॉरवर्ड किया गया, और एट दी एंड ये हुआ कि मिलिट्री लेवल पे बातचीत करके हमारे दोनों देशों ने क्या किया, हमारे दोनों देशों ने इस चीज पे सहमति जताई कि भाई साहब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, है ना, लड़ाई वड़ाई खत्म करते हैं और अपन ज्यादा बातें इस पे नहीं करते हैं, हिंदी चीनी माई माई, है ना, वो निहाव करके चले गए और हम यहां से आ गए, हेलो आए बाय टाटा करके। फिर 2013 का जो टाइम था, दैट वाज समथिंग जो मजेदार था, मतलब मैं लिटरली कह सकता हूँ कि ये मजेदार था, है ना, एक दौलता बेग ओल्डी करके LAC के पैरेलल ही जगह है, वहां पे चाइनीज ट्रूप्स जो थे वो बॉर्डर के पास, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे इन्होंने अपने कैंप लगा लिए, एंड इंडियंस वर लाइक, यार ये ठीक है, मतलब यहाँ तो नो मैन्स लैंड जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, हम इस तरफ पेट्रोलिंग करते हैं तुम उस तरफ पेट्रोलिंग करते हो, तो ये बीच में काम करना सही नहीं है, राइट। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने देखा कि चाइना के जो मोमो के ठेले थे, नहीं सॉरी, है ना, जो चाइना चाइनीज के जो हक्का नूडल के ठेले थे वो काफी पास लगे हुए थे, इसको देख के इंडियन मिलिट्री जो है वो हक्की बक्की रह गई, और उन्होंने उनको डराने के लिए लेस देन 1,000 feet, वी आर टॉकिंग अबाउट 330 meters के डिस्टेंस पे इंडियन आर्मी ने अपने कैंप लगाए, इंडिया की तरफ से अपने तंदूरी चिकन के क्या लगा दिए गए, ठेले लगा दिए गए। फाइनली ये चीज वापस डिसाइड की गई, क्योंकि वी वर हैविंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट क्या कहना चाहिए अरेंजमेंट्स, है वो 1996 का हो जब हमने ये डिसाइड किया था कि हम जो बॉर्डर्स हैं उस पे आर्म्स का यूज नहीं करेंगे, उसे वापस 2005 में रिवाइव किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे कि हम डायरेक्टली आर्म्स यूज करके एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते थे। तो अल्टीमेटली मिलिट्री लेवल लीडर्स की बातचीत के बाद हम वापस क्या हुए, नो मैन्स लैंड को छोड़ते हुए LAC से दूर हुए। 2017 बिकम्स अनदर बिग इशू, राइट, अगेन थैंक्स टू आवर चाइनीज काउंटर पार्ट, है ना, डोकलाम, ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया चाइना एंड भूटान, करेंटली इनडायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ भूटान, हु इज अ क्लोज्ड अलाय ऑफ इंडिया। एक्चुअली डोकलाम इज अ प्लेटू, है ना, उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा है जो किसी के अंडर नहीं आता, इट्स अ ट्राई जंक्शन फॉर इंडिया चाइना भूटान, इट्स अ नो मैन्स लैंड, दैट क्लियरली मींस कि ना भूटान ना चाइना ना इंडिया कोई इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, आर्मी पोस्ट नहीं लगा सकते, किसी कुल मिला के हिंदी भाषा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो वहां पे। बट चाइनीज काउंटर पार्ट, चाइनीज सोल्जर्स वर लाइक, नहीं यार ये जगह खाली खाली अच्छी नहीं लग रही है, इसको चाइना बनाएंगे, रोड बनाएंगे। नाउ ढोकलाम इज अ वेरी क्लोज
to chicken snake of India. Chicken snake is a very critical point, और उससे डोकलाम जो है वो less than 1 hour के distance में हो जाता है. So अगर डोकलाम में एक fast क्या कहना चाहिए freight corridor जो है वो बनता है जिसमें military tanks और military को आने में आसानी हो जाएगी, तो India के लिए वो strategically बहुत negative जा सकता था और North East हमारे हाथों से बहुत आसानी से निकाला जा सकता था. तो Chinese soldiers जब construction machinery लेके आए है ना, तब इंडियन सोल्जर्स बुलडोजर और ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए और स्टार्ट हुआ कहानी ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक. पहले तू मार, पहले तू रोड बना, मेरे पास जेसीबी खड़ी है, राइट, बॉर्डर वाले आ जाएंगे देखने के लिए, मैं तुम्हारा रोड खराब कर दूंगा, राइट. लंबा ऑलमोस्ट 3 मंथ का ये क्रिटिकली क्या कहना चाहिए डिप्लोमेटिकली एक लड़ाई चालू रही. दोनों आर्मीज जो हैं उन्होंने मना किया कि हम नहीं हटने वाले. इंडिया एट दैट टाइम थैंक्स टू आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, उनका जो विदेशों का सफर है वो उस समय काफी सक्सेसफुल रहा चाइना के अगेंस्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए. जापान, रशिया, यूके, फ्रांस, यूएस एंड जर्मनी, साउथ कोरिया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो उन्होंने चाइनीज मिलिट्री बॉर्डर एग्रेशन को क्या किया, अक्यूज किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रेशराइज किया एंड अल्टीमेटली इंडियन एंड चाइनीज आर्मी डिसाइडेड दैट नाउ हम अलग अलग हो जाते हैं, वो नो मेंस लैंड की तरह छोड़ देते हैं. और दैट वॉज द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट वी हैड अंटिल 2020 मई जून, राइट. गालवान क्लैश, पैंगोंग क्लैश, ये बहुत सारी उससे चल रहा था, बहुत सारा न्यूज में था, हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए, उन्होंने रॉड से लड़ाई की, उन्होंने वॉड वायर जो थे उससे क्या कहना चाहिए बेसबॉल बैट में लगा के मारा, पत्थरों से लड़ाई की. द थिंग इज कि हमारे पास एक पैक था ना कि हम आर्म्स यूज नहीं कर सकते एंड वो आर्म्स हमें लगता है कि बंदूकें होती बट दीज आर ऑल्सो आर्म्स, मतलब बेसबॉल बैट किसी को मारना दैट कैन बी लीथल, राइट. सो ये सारी चीजें हुई, गालवान में अच्छा खासा बवाल हुआ, वी लॉस्ट 20 सोल्जर्स एंड वी डोंट हैव ऑफिशियल डेटा हाउ मेनी चाइनीज सोल्जर्स वर डाइड, राइट. बट अलग अलग वेबसाइट कोई 40 कहता है, कोई 50 कहता है, कोई 60 कहता है, वी स्टिल डोंट नो ऑफिशियल डेटा. बट हाँ, हमारे सोल्जर्स हैं तो भाई कुछ तो पेल के आए होंगे, इस पे तो अपने को भरोसा रहता है ना. ठीक, ये चीजें चालू हुई. और अगर हम थोड़ा सा भी लास्ट के 6-7 years लास्ट 1 decade देखें 2010 से 2020 के बीच में, तो डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन जो है वो डिप्लोमेटिकली एंड फिजिकली दोनों तरफ से बढ़ा है. फॉर एग्जांपल हमारी एनएसजी की मेंबरशिप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम मेंबर बनना चाहते हैं, चाइनीज जो है वीटो लेते हैं, हमारी यूएनएससी वाला प्रॉब्लम, उसके अलावा हमारे बॉर्डर क्लैशेस 2013, 2017, 2020, 10 सालों में 3 बार लड़ गए, भाई तुम क्या चाह रहे हो, राइट. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी के टाइम पे हमें बात करना जरूरी था कि व्हाई दीस सॉर्ट ऑफ रीसेंट क्लैशेस एंड एग्रेशन आर देयर, है ना. थोड़ा एनालिसिस करने, थोड़ा पढ़ाई करने पे पता चला कि सिर्फ चाइना ही अग्रेसिव नहीं है, हमने भी एग्रेशन दिखाया है, नॉट इन बॉर्डर्स बट इन ऑल द डिप्लोमेटिक जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, इन ऑल द पॉसिबल डिप्लोमेटिक वेज, जिससे चाइनीज थोड़े से जल चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो अलायंस है यूएस के साथ, आई मीन वो कुछ ज्यादा ही तेजी से हुआ, रिमेंबर दैट चट देनी मार देनी, वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, याद है, राइट. और बार बार ट्रंप का आना, बार बार मोदी जी का जाना, और ओबामा जी के साथ अच्छी खासी रिलेशनशिप, फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर में है ही है, दोनों सुप्रीम पावर्स हैं, लड़ रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट हर एक जगह, राइट. तो इंडिया का जो अलायंस है, इंडिया की जो दोस्ती है अमेरिका के साथ अगर बढ़ रही है, दैट मीन्स चाइनीज काउंटर पार्ट को दिक्कत होगी. कम ऑन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन हो जाता है. तो यहाँ पे इस तरीके से कहानी जो है, डेफिनेटली यूएस इंडिया अलायंस जो है और उसके बीच में डिफेंस जो पर्टिकुलर डील्स हो रही हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर डील्स हो रही हैं, उनके बीच में इंटरनेशनली एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है, चाइनीज इससे जलते हैं. दूसरा, इंडिया ने और भी ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं जिसका एंड चाइना जलेगी. फॉर एग्जाम्पल क्वाड ग्रुप, राइट. इंडिया चाइनीज जो एग्रेशन है एशिया पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, उसके अगेंस्ट क्वाड ग्रुप में है और रेगुलरली क्रिटिसाइज करती है. फॉर एग्जाम्पल अगला एक बहुत अच्छा क्या कहना चाहिए उदाहरण बन सकता है साउथ चाइना सी. इंडिया चाइनीज क्लेम फॉर साउथ चाइना सी को हमेशा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन
और इंटरनेशनल राइट्स जो है वाटर के लिए उसके अगेंस्ट मानता है और हमेशा क्रिटिसाइज करता है, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनको सपोर्ट करता है। यार बुरा तो लगेगा है ना भाई, ऐसा बुरा लगता है। ठीक, उसके बाद और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना ने प्रपोज किया दुनिया का शायद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी एक ब्रांच जो है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आती है जिसको इंडिया एक अपना सोवेरियन पार्ट मानता है, राइट, और वहां पे कंस्ट्रक्शन होना हमारी परमिशन के बिना, एक इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन होना, हम उसका डेफिनेटली दूर विरोध करते हैं, राइट, हम उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद तिब्बत की बात कर लेते हैं, बहुत पहले से हम दलाई लामा तिब्बत को सपोर्ट करते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट ईयर 2019 बिकम्स दैट ईयर जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को, राइट, 370-35A आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करते हुए दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्गेट कर दिया और एक स्पेसिफिक मैप बताया जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंडिया में थे। एंड इवन अमित शाह कह के भी गए कि जान दे देंगे, है ना, वो वाला केस हो गया था, हमारे गृहमंत्री ने बोल दिया था, तो ये एक और रीजन बना। फिर उसके बाद मई में, जब अप्रैल से, मार्च से एक्चुअली, जब वो पेंडेमिक का टाइम आया उसके बाद से, थैंक्स टू आर मीडिया हाउसेस, राइट, मिस्टर गोस्वामी एंड सम अदर पीपल, दे स्टार्टेड फीलिंग लाइक नाउ मीडिया इज डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर वॉर अगेंस्ट चाइना। आर्मी गवर्नमेंट हो नहीं हो, मीडिया वॉज प्रिपेयर्ड। सो वो जो हेट्रेड था जो स्प्रेड किया गया उससे भी थोड़ा सा बुरा तो इशू उठता है, सोशल सिस्टम में ही चीजें बुरी होती हैं। सो ऐसे बहुत सारे रिसेंट पर्टिकुलर जो क्या कहने चाहिए थे रीजंस थे जिसका ये क्लैश हो, ये एग्रेशन हो, ये दोनों का जो बार बार सामने आके खड़ा हो जाना था ये बनता था। नाउ व्हाट इंडियाज रिस्पॉन्स वॉज देयर, इंडिया के रिस्पॉन्स में जो पहले थे, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे लीडर्स की बातचीत करा के चीजों को सुलझाना, हमने गालवान में वो चीज की, राइट, एंड उसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स थोड़ा और चीजों में अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाहर की सारी कंट्रीज से कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए बहुत सारे कोशिशें की जा रही है, बहुत सारे तरीके की जा रही है, आई होप जल्दी इकोनॉमी जो है वो ठीक होना चालू हो जाए तो हम, हो सकता है इस आत्मनिर्भर भारत को इस तरीके से यूज कर पाए कि जो इंडिया चाइना ट्रेड डेफिशिएट है जिसमें इंडिया को लॉस हो रहा है हम उसको क्या कर पाए, कम कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ नहीं मिला तो हमने उठा के चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए, राइट, पहले टिकटॉक बैन हुआ तो कई लोग बेरोजगार हो गए, है ना, फिर कई बेरोजगार जो थे पबजी बैन हुआ तो वो और डिप्रेशन में चले गए, राइट, सॉरी हाँ, मैं ना तो पबजी खेलता था ना मैं टिकटॉक चलाता था, सो दिस इज कम्प्लीटली फन। द इशू दैट वॉज रेज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज दिस दैट दीज एप्स आर समवेयर वायलेटिंग द प्राइवेसी राइट ऑफ इंडियन सिटीजन एंड इंडियन क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट और अदर स्टफ में, तो हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, दैट्स व्हाई हमने क्या किया, चाइनीज ऐप्स जो है वो बैन कर दिए। ठीक, उसके बाद भी और कई चीजें आई जिसमें चाइना को शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिप्लोमेटिकली WHO की भूमिका, चाइना की भूमिका इस COVID-19 पेंडेमिक जिसके कारण पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई है ना, इन सब के कारण हमने चाइना को क्या बोला कि चचा, ठीक है, बाकी समझदार हो तुम, है ना, और उसके बाद भी चीजें अलग अलग वे में चलती रही, तो डेफिनेटली इंडिया के जो रिस्पॉन्स थे अब तक वो एग्रेसिव भी थे, डिप्लोमेटिक भी थे, बट हमें आगे क्या तैयारी करनी चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज, जो डिप्लोमेटिक वेज हैं उनको और बढ़ाने की जरूरत है। आई मीन इंडिया चाइना हैज कंप्लीटेड 70 years ऑफ रिलेशनशिप, अगर मैं ओवरऑल देखो 2020 तक 70 इयर्स ऑफ प्योर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जिसमें उतार चढ़ाव कंटिन्यू बने रहे। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ईच अदर एंड डेफिनेटली बीइंग अ नेबर हमें हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ये अलग बात है कि खुशहाल पड़ोस हमने कभी नहीं देखा, बट कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। सो डिप्लोमेटिक रास्ते जो है उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है और हमें उसको ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। सेकेंडली जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इसका, वो ये बनता है कि हमें अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन भी पूरी रखनी चाहिए। वी नेवर नो, राइट, हमने 62 में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था चाइना की तरफ से इस तरीके का वो। हमने चाइना को UNSC में सपोर्ट किया था when China was having 1949 Chinese Revolution, China divided into two part, Republic of China, People's Republic of China. अब किसको permanent membership देनी है, इसके लिए हमने People's Republic of China या आज के China को क्या किया था, support किया था। So we definitely played a good role being a neighbor. So, but फिर भी उन्होंने attack किया, so military preparation definitely ये जरूरी है।
दूसरा तीसरा और ये दो एक्चुअली मिक्स हो जाते हैं, अलायंस एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स. हम अगर अच्छे अलायंस बनाते हैं रशिया यूएस टॉप इकोनॉमीज टॉप मिलिट्री पावर्स और साथ में हम ग्लोबली चाइनीज एग्रेशन टूवर्ड्स एवरी सिंगल बॉर्डर नॉट विद ओनली इंडिया बॉर्डर इवन ओशन साउथ चाइना सी को भी नहीं छोड़ा, अगर हम उसको ग्लोबली एक डिप्लोमेटिक वे में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में क्रिटिसाइज करते हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं राइट, दिस कैन बी अ वेरी गुड वे जिससे हम चाइना को डेफिनेटली अपने अंगूठे के नीचे रख सकते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ कर रखा है टेररिज्म को लेके, बेचारा हर जगह से ग्रे और ब्लैक लिस्टेड होता जा रहा राइट, बाकी तो तुम समझदार हो राइट. सो ये जो ओवरऑल एनालिसिस है जो हमने अभी बैठ के किया वो सिर्फ इसी चीज के लिए किया कि क्या था क्या हुआ और आगे क्या करना चाहिए. आई होप यू गाइज लाइक द कंटेंट राइट, इफ यू लाइक इट एंड इफ इट इज यूजफुल फॉर यू एज वेल एज योर बडीज राइट, प्लीज शेयर.